माननीय सभापति जी, आज हम जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं। और आज मुझसे पहले हमारे वक्ताओं ने, अलग अलग दल के साथियों ने इस पे अपने विचार रखे। माननीय सभापति जी, जलवायु परिवर्तन को लेकर जहां इसके दुष्प्रभावों की आज चर्चा हुई, लेकिन जलवायु परिवर्तन के इस डिस्कशन में सुखद प्रभाव भी आज कुछ हमारे सांसद मित्रों के देखने को, सुनने को हमें मिले। हमारे मित्र संजय सिंह जी, उन्होंने जब जब इस दिल्ली में प्रदूषण की बात होती थी, एक वर्ष पहले तक हमेशा पंजाब के किसानों को दोषारोपण, किसानों के ऊपर दोष दिया जाता था कि पराली के कारण पंजाब के धुआं जो आ रहा है उससे दिल्ली का प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, वो पता है, अभी बताएंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, कम से कम दिल्ली के प्रदूषण को लेकर इस देश के जो पंजाब के किसानों को लंबे समय तक दोष दिया गया, आज उनसे दोष से मुक्ति आज उन्हें मिली है। और इस दिल्ली को इस पराली के धुएं से मुक्ति देने का काम अगर किसी ने किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र जी आज हमारे बीच में बैठे हैं, इसका श्रेय मैं उनको देना चाहूंगा, उनकी नीतियों को देना चाहूंगा। माननीय सभापति जी, 350 दुष्प्रभावों को लेकर, क्योंकि कृषि प्रधान देश है हमारा, सबसे ज्यादा शंका व्यक्त की कृषि के क्षेत्र में इसका दुष्प्रभाव होगा। फसल चक्र की चर्चा हुई, जो हमारा समुद्र का पानी का लेवल बढ़ रहा उसकी चर्चा हुई, और बहुत सी बातें आज इस चर्चा में हुई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज इस देश का नेतृत्व ऐसे हाथों में सुरक्षित है, और जो आने वाले भविष्य की भी हमारी चिंता हमारे कुछ वक्ताओं, हमारे सांसद साथियों ने की, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग में के इस चुनौती में दुनिया के किसी देश की तरफ अगर वो देख रहे हैं और दुनिया के किसी नेता की तरफ वो देख रहे हैं तो उस देश का नाम है भारत, और उस देश, दुनिया के देश के नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। और इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा, अभी हमारे यूएनओ के, बोल रहा हूं मैं, जनरल सेक्रेटरी आए थे, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वैश्विक समुदाय को एक स्लोगन दिया था, लाइफ। और अभी अक्टूबर में जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री के इस मंत्र का के लिए कहा कि अगर दुनिया से, क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा, जो मंत्र दिया है लाइफ, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये इस दुनिया, इस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने ये अपना वक्तव्य अभी अक्टूबर 22 में देने का काम किया है। माननीय सभापति जी, पूरी दुनिया जलवायु के इस परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज है, उससे प्रभावित है, और इसको लेकर लगभग 7 वर्ष पूर्व पेरिस में एक समझौता हुआ, और उस समझौते को लगभग आज 7 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और इस समझौते को एक दुनिया में आखिरी उम्मीद के रूप में देखा गया,
इस समझौते में तय किया गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो का जो स्तर है वो हमें 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, और इससे प्रयास करेंगे कि ये ब्लो 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य निर्धारित किया गया इससे कम रखा जाए। और इस पर जो विभिन्न देश जिसमें जिन्होंने इसमें भाग लिया उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता भी इस समझौते में अपनी प्रतिबद्धता की आवश्यकता को निभाने का काम भी किया। पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि मैं बहुत लंबा विषय नहीं रखूंगा, लेकिन जो सरकार के बारे में आज बात की कि जो सरकार की हमारी प्रयास है उन पर जरूर चर्चा करके अपना विषय समाप्त करना चाहूंगा। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को अभी हम 1.1 डिग्री सेल्सियस इस समय है और आशंका है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंचेगा, और सबसे ज्यादा अगर प्रभावित इससे कोई होगा तो जो विकासशील देश हैं वो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और भारत को भी जिस तरीके से कोविड का जब पेंडेमिक आया था उस समय पूरी दुनिया के लोग कहते कि भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देश होगा, इसमें भी भारत को ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा प्रभावित देश बताया गया है। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन को देखें, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन विकासशील देशों में देखें तो हमारा योगदान कोई बहुत ज्यादा नहीं है जो आज की स्थिति है। इसके अलावा माननीय सभापति जी, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जलवायु परिवर्तन को लेकर भी सबसे प्रभावित देश हमें बताया जाता है, फिर भी इन चुनौतियों के बीच भारत की जो अर्थव्यवस्था है आज वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जहां पूरी दुनिया मंदी, ऊर्जा की कीमतें, कोविड महामारी के प्रभावों की चुनौतियों को झेल रही है, ऐसे समय में भारत ने अपनी आर्थिक प्रगति के साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन पर जो वैश्विक सामूहिक चुनौती हमारी है उससे अपनी जो प्रतिबद्धता है, जो हमारा कमिटमेंट है, उसको पूरा करने के बाद इन चुनौतियों के बीच अगर दुनिया में किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष ने करने का काम। पेरिस समझौते में जो हमारी प्रतिबद्धता है, जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं, हमने उसमें उनको शामिल करने का भी काम किया है। इसके अलावा अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूं तो जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो भारत ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों को अगर आप देखें तो पूरी दुनिया आज भारत को, आज भारत की तरफ रिन्यूएबल एनर्जी के हब के रूप में आज भारत को पूरी दुनिया देख रही है, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें नई तकनीकों की बात करें उसमें भारत आगे काम कर रहा है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं रिन्यूएबल एनर्जी की, इसके अलावा जो हमारी पॉलिसीज हैं उनकी मैं बात करूं, अगर ईवी की आज बात हुई उसमें अगर हमारी पॉलिसी की बात करूं तो इन सब में भारत और जो पेरिस कमिटमेंट है उनके साथ साथ उन पर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मैं अब हमारे पर्यावरण मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि अभी जो सम्मेलन हुआ उसमें भारत ने एक उनके नेतृत्व में भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और जो दुनिया के विकासशील देश हैं जो उनको फंड चाहिए, जो उनको पैसा चाहिए था, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था $100 बिलियन उसको जुटाने के लिए सेहत हमारे पर्यावरण मंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया के विकासशील देशों की लड़ाई को लड़ने का काम किया, उसके लिए मैं अपने पर्यावरण मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इसके अलावा बहुत टेक्निकल चीजों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, यहां बात हुई कि वन क्षेत्र हमारा कम हो रहा है, लेकिन
अगर अब तक आप देखें 2021 से अब तक अगर वन क्षेत्र की हम बात करें तो उसका आकार 24.62% हो गया, बढ़ा है। और इसके अलावा जो बैरंग लैंड हमारी पड़ी है, जो खराब भूमि हमारी पड़ी है, उसको भी सही करने का काम किया है। और जो हमारे कार्बन कम करने के लक्ष्य हैं उनको प्रतिबद्ध, उनके प्रतिबद्धता दिखाने का काम करने का काम भी भारत की सरकार ने किया है। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए एक बात मैं कह सकता हूं कि भारत जो क्लाइमेट चेंज की जो चुनौती है उसमें भारत सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को एक दिशा दिखाने का काम कर रही है। आज चर्चा हुई, बहुत हमारे सांसदों ने चर्चा की, विचार किए कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, पहाड़ों की चर्चा हुई, अन्य चर्चाएं की, बहुत सुझाव दिए, बड़े अच्छे अच्छे सुझाव आज दिए। मैं उनका स्वागत करता हूं सुझावों का, लेकिन एक बात भी अनुरोध करना चाहता हूं, सुझाव तो हमने दिए लेकिन उसकी शुरुआत करने में हमारी सरकार के अलावा, सरकार तो अपना काम कर रही है लेकिन हमारी भागीदारी भी आज से शुरू होनी चाहिए, यह भी आज संकल्प हमें लेना चाहिए। केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, हमारा भी संकल्प होना चाहिए, हमारा भी उसमें योगदान होना चाहिए। यह क्लाइमेट चेंज की चुनौती एक जन आंदोलन बने, पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें हो, इसमें इस तरीके का माहौल हम कम से कम जो हम सांसद हैं उन सांसदों को कम से कम इसमें भागीदार होना चाहिए, जिससे इस देश और दुनिया को इस क्लाइमेट चेंज की जो चुनौती है उससे बचाने में, उसके दुष्प्रभावों को से बचाने में हम अपना भी सहयोग कर सकेंगे। और देश के प्रधानमंत्री और पर्यावरण मंत्री जी के नेतृत्व में जो काम चल रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य जिसके बारे में चिंता की गई है वो निश्चित रूप से सुरक्षित है और भारत एक लीडर के रूप में इसमें उभरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।